सत श्री अकाल वर्ल्ड पंजाबी टीवी ते सारे दर्शकों का नवजोत सिंह धालीवाल वालों स्वागत है। पंजाब विधानसभा के अंदर पिछले कुछ सालों तो शेरो शायरी का एक दौर शुरू होया, लगता कि इहदा रंग जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल नूं भी चढ़ता जा रहा है। पिछले सैशन दे विच भी कुछ अजिहा रंग देखण नूं मिलिया सी, पर इस सैशन दे विच कवितावां दा व्यंगमई कवितावां दा दौर शुरू हो गया। बाबा नज़मी तक सरहद पार दे जिहड़े शायर ने उहनां दीआं कवितावां पंजाब चढ़ते पंजाब दे इस विधानसभा के अंदर गूंज रही ने, कारण की है? नवजोत सिंह सिद्धू तो मुतासर है श्रोमणी अकाली दल, जां श्रोमणी अकाली दल नूं लगता है कि काविक रूप नाल सरकार दे उत्ते वधेरे तरीके नाल हमलावर होया जा सकता है? गलबात करन लई हरिंद्रपाल सिंह चंदूमाजरा MLA साहब साडे नाल ने, किवें लगता भी ये रूप सब नालों वधिया? देखो असल च जिहड़े साडे वित्त मंत्री ने साहित्यक सुभाअ दे मालक ने, वैसे पंजाबी लई नहीं उन्हां ने कुछ भी ना रख्या ना किया, पंजाबी यूनिवर्सिटी भी बंद होने के कंढे ते आ, पर उन्होंने क्योंकि बहुत लोगों ने समझा के देख लिया, धरने मार के डंडे खा खा के लोगों ने, राजसी पार्टियां ने, पर उन्होंने समझ नहीं आई। सो उन्होंने लिए ना एक उन्होंने बजट के उत्ते एक कविता जी हैगी अज लैके आए थे असी। कविता आप लिखी है तुहाडी? एक कविता मैं भी सुनी सी जी, तो मनप्रीत सिंह बादल क्योंकि इकबाल जी का बहुत वह जिक्र करते होंगे ने, सो उस लैंगुएज के उन्होंने गल की आ। कविता के बोल ने कहिंदे रावी विच्चों निकलियां तीन नहरां, दो सुक्कियां एक वहे ही ना, जिहड़ी वहे ही ना उहदे विच नहावण तीन बंदे, दो डुब गए एक लभे ही ना, जिहड़ा लभे ही ना उहने खरीदियां तीन गावां, उहने खरीदियां तीन गावां, दो फंडर एक सोए ही ना, जिहड़ी सोए ना उहने दित्ते तीन बच्चे, जिहड़ी सोए ना उहने दित्ते तीन बच्चे, दो लंगड़े एक उठे ही ना, जिहड़ा उठे ही ना उहनूं खरीदिया तीन बंदिआं ने, उहनूं खरीदिया तीन बंदिआं ने, उन्होंने खरीदिया तीन रुपए च, जिन्हें च दो खोटे एक चले ही ना, जिहड़ा चले ही ना उन्होंने देखना है तीन बंदे, जिन्हें चो दो अन्ने एक नूं देखे ही ना। तो सदा मनप्रीत सिंह बादल ने पेश किए पांच बजट, चार झूठे तो एक लभे ही ना, अखीरले वाला तो लभे नहीं रहा, बहुत कागज़ फरोले भी है कितने आए। दस दिन ये सैशन चलिया, तुम कह रहे हो कि इस कुछ लभे ही नहीं है, करोड़ों रुपए का खर्च होया, सारा कुछ व्यर्थ है तुहाडे भादा? सरकार तो कह रही है कि एदू वधिया बजट अजिहे माहौल दे विच पेश नहीं सी हो सकता। देखो डिबेट हुई पानी के मुद्दे के उत्ते, एक सार्थक डिबेट सी, पर गलत है भी उही कमेटी बनाती, रिपोर्टा आनगियां पईआं रहणियां, पहली बहुत रिपोर्टा ने। मैं एक सवाल लाउंदा रहा पहले दिन तो जदों MLA बन के आया, रेजोल्यूशन भी लैके आए, मते भी लैके आए, भी नहरी पानी एक वड्डा सोर्स आ धरती हेठले पानी नूं बचाउण दा, भी तुसीं इहदी रीएलोकेशन तां करो, काफ़ी हिस्सा ऐसा पंजाब दा जिवें पटियाले वर्गे जिले जिथे हुण वध पानी दी लोड़ आ, ते काफ़ी हिस्सा ऐसा जिथे अर्बनाइजेशन होगी घट आ, भी इहनूं रीएलोकेट करो, रिव्यू करो। लै हर साल इस बारी भी उही विचारांगे, तां विचारां वाली सरकार आ। दूजी गल, इह सरकार तुसीं देखो 1 करोड़ रुपए दे विच यूनिवर्सिटी बना रही आ, गुरु तेग बहादुर जी के नाते नाले यूनिवर्सिटी बन रही, 1 करोड़ दे विच यूनिवर्सिटी बनती हुंदी आ, चार दीवारी भी नहीं हुंदी हैगी। सो तां मैं कहा बजट चों कुछ लभ ही नहीं रहा, 250 करोड़ रुपया रख लिया शगन स्कीमां वास्ते। मनप्रीत सिंह बादल जी 1.5 साल दीआं पुरानीआं पेंडेंसी पईआं, पिछलीआं देणदारियां पईआं आपणीआं, उही 250 करोड़ तो कितें उत्ते ने, ते आउण वाले समें विच तुसीं कहिंदे 250 करोड़ रखिआ, पहलां तां उहदे 'च चले जाणा, ते फिर 250 करोड़ नाल भी जे आपां देखिए 18,000 पिंड ते वार्ड ने पंजाब दे, जे तुसीं हर वार्ड 'च दो ब्याह भी नहीं पूरे हर वार्ड जां हर पिंड 'च एवरेज दो भी नहीं होणे हैगे ब्याह पूरे। सो इह की इह फिर तां मैं कह रिहा भी लभे ही ना, DH दीआं किश्तां नहीं लभ रहीआं मुलाजमां दीआं, पे कमिशन लभे नहीं रिहा, पहला बजट होऊगा जिहड़ा अपने आप 'च 1-7 तों कितें अगस्त तों कितें अक्टूबर चो इदा शुरू होगा, नहीं आम तौर पर बजट 1 अप्रैल तो शुरू हो जाते। किसी ने यह सवाल नहीं रेज़ किया कि तुम नवी यूनिवर्सिटी बनाने की गल कर रहे हो, चाहे करोड़ ना बना लो, चाहे 1 रुपये ना बना लो, जी सद के बनाओ, जम जम के बनाओ। यूनिवर्सिटियां विश्वविद्यालय वो चीज़ होंगे ने जिहड़े किसी मुल्क का भविख खड़ा करदियां ने, पर जिहड़ियां यूनिवर्सिटियां बंद होने की कगार ते ने, जिहड़ियां मुद्दे मूँह पै रही ने, करोड़ों रुपए के कर्जे हेठ दमिया हुई ने, उन्होंने ज्यौदा जागदा करने लिए मुड़ सुरजीत करने लिए किसी ने आवाज़ बुलंद की? देखो मैं इस सैशन के वैसे तो पिछले सैशन भी इस सैशन के मैं ये सवाल लाया, ये प्राइवेट मैंबरस रेजोल्यूशन लैके आया, ये ध्यान दवा मुता लैके आया, इनू गवर्नर एड्रैस चक्या, इनू 0 आवर से चक्या, मेरे ख्याल 4-5 बारी हो गया इको सैशन के पानी का मुद्दा पटियाले जिले के, तो यह 4-4, 5-5 बारी मैं इशू वक् वक्रे स्टेजिज से वक् वक्रे ढंग चक्या। हूँ तुम देखो भी MT यूनिवर्सिटी का प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल लैके आ रहे सरकार, उस कगार से लैके आ रहे जो पंजाब के वैसे विद्यार्थियों की शॉर्टेज होगी बाहर जा रहे हैं। सैकेंड चीज़ जो साड़ियाँ अपन यूनिवर्सिटियाँ क्राइसिस ने विद्यार्थियों की शॉर्टेज आ, तुसी उस समय अपनी यूनिवर्सिटी नूं उन्हां नूं बढ़ावा देने दे लिए सिक्ख्या नीति प्रति सोच की है सरकार की? प्राइवेट मैंबरस बिल, एक प्राइवेट बिल प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अपने आप च मैं समझदा सारी उह तस्वीर नूं साफ करदा। देखो एक सरकार नूं असीं डाइवर्सीफिकेशन का फॉर्मूला दिता, मैं
ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਮਿਸਾਇਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।